friends, Namaskar, Sasikal, I am your astrologer friend Amit Kapoor. Today I am presenting you weekly forecast week from 10th of September 2018 to 16th of September 2018. Guys, my all predictions are based on your ascendant sign, not for your moon sign, not for your zodiac sign. Let's start for the Scorpio ascendant. For Scorpio ascendant, from 10th September to 16th September 2018, guys, for you, इस वीक में जो मून की प्लेसमेंट है आपके मंडे और ट्यूसडे को मून आपके असेंडेंस से 11th हाउस में ट्रांजिट करेगा। गाइस, आपके लिए कुछ गेंस रहेंगे, अनएक्सपेक्टेड मनी आपको नॉक करेगी। जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनको बड़ा प्रोडक्टिव रिजल्ट मिलेगा। मंडे और ट्यूसडे आपकी अर्निंग स्काई हाई रहेगी। गाइज, आपके फाइनेंसिस बहुत अच्छे होंगे, आपकी विशेज फुलफिल होंगी, शॉर्ट जर्नी हो सकती है, एल्डर सिबलिंग से आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, फॉर्चून आपका 10 टाइम प्लस आपके लिए काम करेगा। गाइज, वेनसडे और थर्सडे कुछ आपके हैवी एक्सपेंडिचर्स रहेंगे तो आपको थोड़ा सा इरिटेट करेंगे। फैमिली के साथ आप बड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। आपके 12th हाउस में गज केसरी योग का निर्माण होगा जो आपके फाइनेंसिस को भी बेटर करेगा। वन साइड आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स रहेंगे, बट सेकंड साइड क्योंकि गज केसरी योग आपके 12th हाउस में है, फौरन से कुछ अच्छे डील्स हो सकते हैं, फौरन से कुछ मनी मिल सकती है, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, या अगर आप फौरन सेटल होने की सोच रहे हैं तो वेनसडे और थर्सडे को आप उस चीज से रिलेटेड अपने प्लान्स एग्जीक्यूशन में डालें तो नियर फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गाइस, वीकेंड में मून आपके असेंडेंस में डेबिटेटेड साइन में ट्रांजिट करना शुरू करेगा, बट सैटर्न की पोजीशन इस वीक में आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव है। आपके 10th हाउस में ऑन साइन में है, बिजनेस आपका फ्लॉरिश करेगा, आपको फाइनेंशियल टाइप्स में गेन्स होगा, आपके नए पार्टनर्स बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी बिजनेस में बढ़ेगी, फाइनेंसिस आपके अच्छे होंगे, माइंड आपका बहुत पॉजिटिव रहेगा, नई एनर्जी फील करोगे, हेल्थ आपकी बहुत पॉजिटिव रहेगी। मदर की ब्लेसिंग्स आपके लिए इस वीक में ब्रह्मास्त्र का काम करेंगी। जितने ज़्यादा आप मदर की ब्लेसिंग्स लेंगे, उनके चरण को स्पर्श करेंगे, जितना ज़्यादा आप मदर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, गुड फॉर्चून आपके लिए उतना स्माइल और शाइन करेगा। फाइनेंसिस आपके इस वीक में बड़े ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। गाइज, आप बहुत जल्द आप एक बहुत ही पॉजिटिव इवेंट्स में जाने वाले हो। जुपिटर का आपके असेंडेंस में ट्रांजिट स्कॉर्पियो असेंडेंस के लिए एक नई सक्सेस की रेस में आपको लेकर जाएगा, एक ऐसी अचीवमेंट्स की ओर आप जाने वाले हो जो आपने कभी सोची नहीं होगी। सो गाइज, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने विजन को थोड़ा बड़ा करके चलें। आप इस वीक को लेकर कुछ भी प्लान ना करें। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं या कुछ भी सोच रहे हैं, आने वाले कल को लेकर प्लान करें, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट 11th अक्टूबर के बाद स्कॉर्पियो असेंडेंस के लिए वन ऑफ द ब्रिलियंट पीरियड विल स्टार्ट। सो गाइज, आपके लिए पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना, दूर की सोच के चलना, दूसरों को देखकर अपना मुंह लाल नहीं करना, ये याद रखना, बिकॉज आपका फॉर्चून बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, गुड गेन्स आने वाले हैं, फाइनेंशियल टाई अप्स अच्छे होने वाले हैं, फैमिली एटमोसफेयर अच्छा होने वाला है, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप आपके लाजवाब होने वाले हैं। नो मोर अबाउट दिस वीकली फोरकास्ट, विजिट माई वेबसाइट www.akastrologyzone.com। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।